नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होलसेल मार्केट गुरु में। आज मैं आपको लेके आया हूँ आज़ाद मार्केट दिल्ली। यहाँ पे बहुत सस्ते में कपड़े मिलते हैं और सस्ते के साथ में अगर A1 क्वालिटी के कपड़े चाहिए तो आपको आज हम लेके आए हैं राजेंद्र सेलेक्शन में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह के कपड़े आपको मिलने वाले हैं। गर्मी दे रही है दस्तक, तो उसके हिसाब से यहाँ पे कपड़े आ गए हैं। गर्मी के हिसाब से आपको टी शर्ट्स वगैरह लेने हों, लेडीज़ के, जेंट्स के लोअर्स वगैरह हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। और चलिए पहले हम बात करते हैं यहाँ के जो ऑनर हैं, हमारे साथ में हैं आज करण जी, तो उनसे हम जानेंगे क्या क्या चीज़ें इस बार आई हुई है। सर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच सर। सर बताएं थोड़ा हमारे व्यूअर्स को, आज़ाद मार्केट में कब से हैं आपकी दुकानें और किस किस तरह के कपड़े आपके पास मिल जाएंगे? सर हमारी शॉप का नाम है राजेंद्र सेलेक्शन, वो तो सब कस्टमर्स को लगभग पता है, काफ़ी लोगों को पता भी है। बिल्कुल। और हमारी शॉप 40 ईयर्स से ज़्यादा पुरानी हो चुकी है इसी आज़ाद मार्केट में ही। और हम लोग का मेन बिजनेस जो है वो ये है कि हम लोग एक्सपोर्ट सरप्लस में डील करते हैं और इंपोर्टेड यूज्ड क्लोथिंग को ग्रेड करवा के हम लोग अपने कस्टमर्स को देते हैं। तो पेमेंट जैसे सर ऑनलाइन की भी फैसिलिटी है आपके पास में? जी सर, पेमेंट ऑनलाइन फैसिलिटी है, लेकिन अगर कस्टमर शॉप पे आ रहे हैं तो पहली प्रेफरेंस ये है कि कैश पेमेंट हो तो ज़्यादा बेटर है, बाकी कस्टमर की चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। ट्रांसपोर्ट की परेशानी होती है सर, लोगों को लगता है कि माल कैसे जाएगा यहाँ से, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? कोई टेंशन ही नहीं सर ट्रांसपोर्ट की, तो सदर बाजार में तो कौन सी ट्रांसपोर्टर जो ना हो, ऐसी है ही नहीं मेरे ख्याल से, तो नहीं है ऑल ओवर इंडिया, कहीं भी हम लोग कितनी जगह माल बेचते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो ट्रांसपोर्ट की कोई दिक्कत ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ ये है कि कस्टमर ये ना समझे कि अगर हमने ट्रांसपोर्ट उसको करवा के दिया कि तो ट्रांसपोर्ट का काम हमारा है। मीन्स कई कस्टमर हमें ये आके बोलते हैं कि जी आपने ट्रांसपोर्ट कराया तो आप बताओ माल कब तक पहुंचेगा या सेफली पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। हम लोग टाई अप्स होते हैं हमारे, बट जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो ट्रांसपोर्ट वालों का होता है। सच में यहाँ पे मिलते हैं किलो के भाव में माल? सर किलो के माल तो बहुत मिलते हैं। Okay. बट ये है कि उसके अंदर क्या निकलता है क्या नहीं निकलता वो थोड़ा टेंशन करता है। तो आप भी रखते हैं सर किलो वाले जो नहीं, माल सर, होते हैं? नहीं, हम लोग बिल्कुल नहीं रखते किलो के माल, के लिए हमें फोन ना करें प्लीज। ओके। तो किलो के माल नहीं रखते यहाँ पे, आप अलग से सेलेक्ट करके जो है? जी हमारा पर पीस के हिसाब से, हमारे पास बंडल तैयार है ग्रेडिंग वगैरह, यानी नंबर वन क्वालिटी के माल आप देने के लिए जो है तत्पर हैं? जी सर, हम उसको ए ग्रेड बोलते हैं अपनी तरफ से जी। अगर मान लो फिर भी कस्टमर की कोई शिकायत रह जाती कि नहीं माल उतना अच्छा नहीं था, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट टाइम उसको सेटिस्फाई करें, माल अच्छे से अच्छा दे। सर जो पिक वगैरह हैं व्हाट्सएप पे आप भेज देते हैं क्या इसके? सर वैसे तो हम लोग भेज तो देते हैं फोटोज, बट प्रॉब्लम ये आती है कि इतने माल में इतनी वैरायटी में सब चीज़ों की पिक्स भेजना पॉसिबल नहीं है। और पिक्स भेजने में प्रॉब्लम ये भी होती है कि मान लो मैं आपको एक पीस निकाल के फोटो भेज भी देता हूँ जी, तो कस्टमर एक्सपेक्टेशन उस हिसाब से करता है, उम्मीद वो लगाता है कि यार वही पीस होगा, जबकि इस लाइन में ऐसा नहीं है। आपके 25 पीस में 25 के 25 पीस लगभग अलग होते हैं, तो मैं हर पीस के फोटो कैसे भेजूंगा? तो कस्टमर्स के लिए ये एडवाइस रहता है कि आप लोग वीडियो जो हम लोग शूट करा रहे हैं इसीलिए करा रहे हैं कि आप 20-25 मिनट का जो भी वीडियो बनता है वो देख लो, और वीडियो देख के आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। दिखाते हैं एक एक करके हम जो बंडल्स वगैरह हैं यहाँ पे। सर ये सारे जो बंडल्स हैं कितने कितने पीस के ज्यादातर बंडल हैं आपके? ज्यादातर मतलब 25 और 50 के हैं। अच्छा, यही दो ही तरह के बंडल होते हैं। तो अगर कोई चेंज होगा तो हम कस्टमर्स को जरूर बताएंगे। ओके। तो मैं चाहूंगा सर एक आध बंडल हमारे व्यूअर्स को आप दिखाइए खोल के कैमरे के सामने, क्योंकि कई लोगों के दिमाग में ये रहता है कि जो बंडल बांध के रखे हैं ज्यादातर उसके अंदर डैमेज निकलता है, और ऊपर में एक एक पीस जो है वो अच्छे अच्छे रख देते हैं। वही बात है सर, जब कस्टमर्स आते हैं ना, अब कस्टमर्स हमारे पास जब ज्यादा आते हैं तो हम लोग सबको तो खोल के दिखा नहीं सकते जी, पॉसिबल, लेकिन ये वीडियो बन रही है, आज वीडियो शूट है, तो हम लोग जरूर एक एक आपको आइटम खोल के दिखा देंगे। आप लोग कस्टमर्स ये वीडियो देख के जरूर एक बार श्योर हो सकते हैं कि माल सही है। बंडल जो है सर पूरा शर्ट्स का है, टी शर्ट्स का? ये सर टी शर्ट्स है फुल स्लीव्स में। इसका प्राइस आएगा 65 रुपीज पर पीस, 65 रुपए पीस। कॉलर का आइटम आएगा और फुल स्लीव्स आएगा। ठीक है। ये देखिए, ये सभी जितने भी देख रहे हैं ये बंडल में आएंगे आपको, और ये मात्र आइटम में हाफ स्लीव लो चाहे फुल स्लीव लो सेम रेट आएगा, इसका भी 65 ही आएगा। ये देखिए कुछ इस तरह के यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट, जो देख रहे हैं आप टी शर्ट्स की वैरायटी है, और आप देख सकते हैं किस तरह की क्वालिटी है। क्वालिटी वाइज सर काफी अच्छे होते हैं कपड़े। ये क्वालिटी सर बिल्कुल सही होती है, कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जैसा कि मैंने बोला था कि 10% की रिजेक्शन मींस ये नहीं होता कि बड़ा कटाफटा या कोई बहुत बड़ा आपको स्पॉट मिल जाएगा, दाग मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। कोई छोटा मोटा कोई पिन होल हो सकता है या कुछ भी छोटा स्मॉल रिजेक्शन होगा, अगर आया तो हमारी कोशिश है कि वो भी ना आए, लेकिन कस्टमर्स को हम पहले बोल के चलते हैं ताकि बाद में कस्टमर ये ना बोले कि यार हमें तो बताया नहीं था। जी जी बिल्कुल। तो ये सभी टी शर्ट्स की वैरायटी है, आप देख सकते हैं 25 पीस का ये पूरा बंडल रहेगा,
और ये सभी 65 रुपीस का सर बताया। हाँ जी सर, हाँ जी, चाहे हाफ स्लीव दो चाहे फुल स्लीव, दोनों का प्राइस सेम आएगा इसमें। ये नेक्स्ट बंडल कुछ पीसेस ये देखिए, ये 55 रुपीस पर पीस है, 55 रुपए पीस। वाओ, तो ये जो बंडल होते हैं सर, क्या इसमें मिक्स कलर होते हैं सारे? अलग कलर सर, सारे मिक्स होते हैं, कलर्स और साइजेस। अगर आप एक्सपोर्ट सरप्लस या इंपोर्टेड यूज्ड क्लोथिंग की बात करते हो तो इनमें साइजेस और कलर्स मिक्स ही आते हैं। ये अच्छी बात भी है एक तरह से कि जितने पीस आपको मिल रहे हैं सारे। बिल्कुल सर, मेरे हिसाब से तो बहुत बेनिफिशियल है कस्टमर्स के लिए। हम लोग अगर आपको 50 पीस बोल रहे हैं तो 50 पीसेस में आप ये देखो कि उसके साइजेस भी सारे हो गए, चाहे वो एम एल एक्सएल डबल एक्सएल हो, या कलर्स देखोगे कलर्स की चॉइस भी पूरी हो जाती है। नेक्स्ट, उसके बाद सर ये एक्सपोर्ट सरप्लस में आ जाएगा कॉलर, ये आएगा डबल एक्सएल साइज 2XL, इसका प्राइस आएगा 70 रुपीस, 70 रुपए पीस, मात्र 70 रुपीस। जी सर, इसके अंदर आपके और भी साइजेस हैं, तो जैसे जैसे साइजेस दिखाएंगे हम आपको रेट बताते जाएंगे। साइज आएगा, इसका प्राइस आएगा 58, 58 रुपए पीस। ये आएगा एम साइज, एम साइज का रेट आएगा 52 रुपए, 52 रुपीस पर पीस, 52 रुपए पीस। साइज के हिसाब से रेट में फर्क है? इसमें साइज के हिसाब से फर्क है, एम साइज लोगे तो 52 रुपए 52, एल साइज लोगे तो 58 रुपए 58, एक्सएल साइज लोगे तो 64 64 रुपए, और डबल एक्सएल लोगे तो 70 70 रुपए। ओके, तो इस तरह से आपने अलग अलग इसको छाट के रखे हुए हैं एक्सपोर्ट सरप्लस में सर। तो इसमें हम लोगों ने जो फैब्रिक था एक्सपोर्ट सरप्लस था, तो ये बना ही साइज के अकॉर्डिंग है। ये देखिए कुछ हम दिखा रहे हैं और पीसेस आपको। अब ये सारी एक्सपोर्ट सरप्लस की आइटम्स हैं, ये फ्री साइज आता है, इसका प्राइस भी आएगा 65 रुपीस पर पीस। इसमें डिजाइन चेंज है, ये भी 65 रुपीस पर पीस है, 65 रुपए पीस। नेक्स्ट, इसमें तीन साइजेस आएंगे, एस एम एल जिसकी चेस्ट जो होगी वो 16, 17, 18 होगी, इसका प्राइस आएगा 58 रुपया 58 रुपीस पर पीस। इसमें आपको कंटिन्यू मिलेगा, कंटिन्यू मिलेगा, हाँ, इसमें चेंज नहीं आएगा। अगर आप मान लो रिपीट ऑर्डर करते हो तो प्रिंटिंग हो सकता है चेंज हो, लेकिन आइटम सेम रहेगा। वो जो आपको अभी 58 वाला दिखाया था उसी का ये बड़ा साइज है। ओके, ये 65 का। आप देख रहे हैं रेंडमली ही सारे कपड़े निकल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कोई सेलेक्ट करके पीस निकाल रहे हैं। 65, 65 रुपए पीस। काफी अच्छी क्वालिटी के होते हैं कपड़े, ये सभी कपड़े जो मार्केट में बिकते हैं अच्छे खासे रेट में सर बिक जाते हैं सर। सर इजीली मेरे हिसाब से 150 का सेल जाता है, लेकिन आप कंपटीशन ज्यादा तो 120 में बिक जाता है। और इस तरह के बंडल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, फुल और हाफ दोनों तरह के टी शर्ट्स अवेलेबल हैं सर यहाँ पे। हाँ, मेनली अभी हाफ का सीजन है तो हाफ के आइटम ज्यादा होंगी जी, थोड़ा बहुत फुल स्लीव्स में मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या दिखाने वाले हैं सर? ये टी शर्ट आपको मिल रहा है मात्र 38 रुपीस का। इससे छोटे साइज के भी हैं क्या आपके पास? जी सर, इसमें बच्चों में फिर राउंड नेक में भी आता है, ये तो जैसे कॉलर में आ गया। अब जैसे एक्सपोर्ट सरप्लस में इसमें साइज सारे मिक्स आएंगे, बच्चों के 5 साल से लेके 12-13 साल तक के सबके साइजेस होंगे। ओके, इसके रेट क्या होते हैं सर? इसका 45 रुपीस पर पीस है। जो फैब्रिक है ये एक्सपोर्ट सरप्लस का फैब्रिक है, उसकी स्टिचिंग करा के माल हम लोग देते हैं। ये बिल्कुल न्यू पीस है जो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं और एक्सपोर्ट सरप्लस के हैं, और काफी अच्छी इसमें आप अर्निंग कर सकते हैं। ये सारे बिल्कुल न्यू हैं, फ्रेश माल है जो अभी आपको हम दिखा रहे थे। एक ये हमारी आती है सर, स्पोर्ट्स टी-शर्ट्स। तो स्पोर्ट्स की अलग ही पैकेट होते हैं, अलग वैरायटी। हाँ जी, इसका फैब्रिक स्पोर्ट्स वाला आता है, पॉलिएस्टर होता है, और खेलने वाले जितने भी बॉयज होते हैं मेंस होते हैं उनकी उनके लिए बहुत अच्छी आइटम है। आइटम बिल्कुल क्लीन आएगी, बिल्कुल साफ सुथरी आएगी। ठीक है, क्या रेंज की होंगी ये? 55 रुपीस पर पीस। ये देखिए सभी स्पोर्ट्स के हैं और स्पोर्ट्स की भी पूरी 25 पीस की पैकेट है। ये स्पोर्ट्स शॉर्ट्स आ जाते हैं सर। ओके, कैप्री और निकर मिक्स होता है इसमें जी, स्पोर्ट्स कपड़े में आता है ये भी फैब्रिक, जिस कपड़े में भी टी-शर्ट्स दिखाई थी मेंस में राउंड नेक, उसी फैब्रिक में ये शॉर्ट्स हैं। इसका प्राइस आएगा 58, 58 रुपए पीस। ये देखिए मात्र 58 रुपीस का, और मैंने देखा है सर अच्छे खासे रेट में दिल्ली में भी लोग बेच लेते हैं इस कपड़े को। बिल्कुल सर, इसको आप 150 का दो, मतलब 150 के दो में सेल में भी बंदा बेच सकता है, आसानी से बिकेगा। तो इस तरह के आप ले सकते हैं, और जो लोकल मार्केट भी लगते हैं वहाँ पे लोग इस तरह के कपड़े बेच रहे होते हैं।
ठीक है, तो ये सारी पूरी जो वैरायटी है सर स्पोर्ट्स की और हाफ पैंट वगैरह निकर वगैरह की जी है सर, इसमें पूरा हाफ शॉर्ट्स हैं। ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से, इसके भी 25 पीस की पैकेट है। हाँ जी सर, इसके भी 25 पीस की पैकिंग आई जी सर। नेक्स्ट क्या दिखा रहे हैं आप? सर ये लोकल यहाँ के प्रोडक्शन के लोअर्स हैं, ये लोअर स्टार्टिंग हो जाते हैं 60-65 की रेंज से स्टार्ट हो जाते हैं, और इस पे कई सारी वैरायटी आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए ये अलग अलग फैब्रिक में है सर। जी सर, फैब्रिक कलर मिक्स है और ये सारा माल पैकिंग है। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरह से आपको मिल रहा है, ये 70 का है और कोई 60 का है, कोई 65 का है, इस रेंज में ये वाले टाइप के जो लोअर। ओके, ये देखिए ये सभी लोअर्स आपको मिल जाएंगे, लेडीज जेंट्स हर तरह के लोअर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये देखिए ये सभी जो है बंडल्स हैं जेंट्स के, तो एक आध पीस हम दिखाते हैं जेंट्स के। इसका प्राइस आएगा सर 58 रुपीज पर पीस, 58 रुपए पीस। ये देखिए 58 रुपीज पर पीस। ओके जी सर, इसमें साइजेस सारे मिक्स आएंगे। और तो ये कितने पीस का पैकेट है? ये भी 25 पीस का सर, 25 पीस का। हाँ जी, तो ये पूरा का पूरा बंडल ही लेना पड़ेगा आपको, इस बंडल में से तो 6 8 करके नहीं ले सकते। नहीं नहीं सर, इसमें ये बंडल बना हुआ है और ये पूरा बंडल आपको लेना पड़ेगा। बल्कि कस्टमर्स को हम लोग तो ये मोटिवेट करते हैं, उनको बोलते हैं कि आप लोग 25 25 पीस से ज्यादा बेटर है, कम से कम मिनिमम मिनिमम 50 50 पीस, 50 50 पीस लो, वो ज्यादा बेटर है। ये जो स्टार्टिंग जींस है, स्टार्टिंग रेंज है हमारी, ये फुल साइज जीन्स है सर। ओके, तो बच्चे बड़े दोनों के होते हैं सर जीन्स? हाँ जीन्स बच्चे का भी आपको सर जो दिखाया था, एक तो 58 वाला दिखाया था, और ये जो जीन्स आता है इसमें 35 वाला बच्चे का भी मिल जाएगा, इसमें सारे साइजेस मिक्स आएंगे। ओके, ये 45 रुपीज पर पीस है सर। और ये जींस हमेशा अवेलेबल होते हैं आपके पास? अवेलेबल तो सर जरूर रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा कई बार आइटम अगर शॉर्ट होता तो कस्टमर को जिस दिन पेमेंट डालता है उसके नेक्स्ट डे या एक आध दिन में मतलब डिस्पैच कर देते हैं हम लोग, अगर ऑर्डर ज्यादा होगा तो। उसके बाद सर ये जींस आती है 55 रुपीज पर पीस, 55 रुपए पीस की। जींस है सर, ये किस तरह के जींस होते हैं, यूज्ड हैं या ये फ्रेश होते हैं? सर ये जींस सारी यूज्ड होती हैं, इसमें कलर किया जाता है, इसको कलर करके दोबारा से तैयार किया जाता है। ये सारी जींस की आप देख रहे हैं वैरायटी है, तो जींस चाहिए तो हमेशा आपको पूरे थ्रू आउट द ईयर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। और अगर इसमें सर आप देखते हैं, जैसे कोई कस्टमर कहता है कि हमें विदाउट कलर चाहिए, जैसे कलर क्योंकि ये टेम्पररी होता है उतरता है, तो ये बिना कलर का जींस आता है और ये इम्पोर्टेड कपड़े में आता है, इसका कपड़ा जो आएगा स्ट्रेचेबल आएगा। ये 75 का है, 75 रुपये पीस, 75 रुपीज़ में आपको अच्छी क्वालिटी के जींस यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। और इसमें कोई कस्टमर कहते हैं कि हमें जो साइड में एक पट्टी वाला डिजाइन आजकल चल रहा है, अगर वो चाहिए तो वो भी हमारे पास होता है, वो भी देते हैं। ये भी 75 वाला सर, और इसमें अगर कोई कस्टमर कहता है कि हमें साइड में पट्टी वाला चाहिए तो ये भी वो ले सकता है, उसकी चॉइस है कस्टमर की। सर जो पिक वगैरह हैं व्हाट्सएप पे आप भेज देते हैं क्या इसके? सर वैसे तो हम लोग भेज तो देते हैं फोटोज, बट प्रॉब्लम ये आती है कि इतने माल में इतनी वैरायटी में सब चीज़ों की पिक्स भेजना पॉसिबल नहीं है, और पिक्स भेजने में प्रॉब्लम ये भी होती है कि मान लो मैं आपको एक पीस निकाल के फोटो भेज भी देता हूँ जी, तो कस्टमर एक्सपेक्टेशन उस हिसाब से करता है, उम्मीद वो लगाता है कि यार वही पीस होगा, जबकि इस लाइन में ऐसा नहीं है। आपके 25 पीस में 25 के 25 पीस लगभग अलग होते हैं, तो मैं हर पीस के फोटो कैसे भेजूंगा? तो कस्टमर्स के लिए ये एडवाइस रहता है कि आप लोग वीडियो जो हम लोग शूट करा रहे हैं इसीलिए करा रहे हैं कि आप 20-25 मिनट का जो भी वीडियो बनता है वो देख लो, और वीडियो देख के आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, कुछ और नई चीज़ों के साथ। जय हिंद, जय भारत।